दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेस, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर्ड बाय थाली.com, प्योर वेजिटेरियन 100% हाइजेनिक, ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे यार। फोन घुमाओ, जहां चाहो वहां मंगवाओ। कॉन्टैक्ट 8607809300। फूड डिलीवरी इन ट्रेन, थाली.com, गीता कॉलोनी, पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने विधायकों की कोठी का किया घेराव, प्रवासी मजदूरों को लेकर चली लाठियां, आधा दर्जन लोग घायल। विभाग नहीं रोक पा रहा ओवरलोडिंग, सनोली रोड पर पुलिस की गैर मौजूदगी में चल रहे ओवरलोड वाहन। REPG कॉलेज में दिशाएं कार्यक्रम का हुआ आयोजन, SGPG कॉलेज में चल रहे रत्नावली सांग महोत्सव का हुआ समापन। और अब गतिविधियां विस्तार से। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर आंगनवाड़ी वर्कर्स ने शहरी व ग्रामीण विधायकों की कोठी के आगे घेराव किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि पिछले 6 दिनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। थाली बजाकर, जुलूस निकालकर, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर हर तरीके से आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगे मनवाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई, जिसके चलते आज सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर वर्करों ने शहरी विधायक रोहिता रेवड़ी और ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा की कोठी का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। हम 6ठे दिन हड़ताल पे आए हैं और यहाँ जो 3 विधायकों की कोठी है उसका घेराव करने आए हैं। 5 दिन में सरकार बिल्कुल साइलेंट बैठी है, कोई बातचीत नहीं, कोई मांग पे चर्चा नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, कोई बुलावा नहीं। डायरेक्टर के ऑफिस में बुला के 50 रुपए ड्रेस, गर्मी की छुट्टी, या हमने को नहीं चंदे भाई। हमें चाहिए कर्मचारी का दर्जा और वो नहीं देगा। इतना हड़ताल जारी है, इनके जड़े जड़े नुमाइंदे बैठे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो बीजेपी के हो, हर जगह जहाँ भी आएगा कोई भी, हर जगह काले झंडे, काली चुन्नी लेके घिराव किया जाए। आपकी हड़ताल कितने दिन और चलेगी? अनिश्चित काल हड़ताल है, कोई टाइम को ना भी रही। आपकी मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे सरकारी कर्मचारी का दर्जा और वर्कर तय सुपरवाइजर की प्रमोशन, हेल्पर तक वर्कर की प्रमोशन, और इसके साथ साथ जब तक ये नहीं देते 18,000 न्यूनतम वेतन, अभी लेटर चाहिए, बिना ले उठ देखो नहीं, हड़ताल जा रही है आर पार की लड़ाई। REPG कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिशाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। REPG कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाविद्यालय के संस्थापक OP सिंगला की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में यह कार्यक्रम करवाया गया। इसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। साथ ही प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने बताया कि इसमें महाविद्यालयों की टीमों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया, जिसमें सोलो डांस, ग्रुप डांस, डेक्लामेशन, ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जीते गए प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्तर पर पुरस्कार देने के साथ चांदी की ट्रॉफी भी पुरस्कार में दी जाएगी। कि आज हमारे कॉलेज में जो कॉलेज के फाउंडर मेंबर हैं स्वर्गीय श्री OP सिंगला जी, उनके 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिशाएं 2018 के नाम से स्टेट लेवल के 5 कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं। ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन, ग्रुप सोलो डांस कॉम्पिटिशन, डेक्लेमेशन, क्विज कॉन्टेस्ट और पेंटिंग कॉम्पिटिशन। और जो चीफ गेस्ट हैं इस समारोह के, उनके सुपुत्र श्री सुरेंद्र सिंगला जी जो ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी ऑफ कॉलेज मैनेजिंग कमेटी हैं, दीपक सिंगला जी, और लगभग 25 कॉलेजेस की टीमें अभी तक आ चुकी हैं। पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेगा, 4 या 5 अलग अलग वेन्यूज पर ये कार्यक्रम है। बहुत ही अट्रैक्टिव कैश प्राइजेज और ट्रॉफीज बच्चों के लिए रखी गई हैं, और जो 5ों आइटम्स में जिनके मैक्सिमम स्कोर होगा उसे एक जो है सिल्वर ट्रॉफी, OP सिंगला मेमोरियल सिल्वर ट्रॉफी जो है उनको दी जाएगी।
चार दिवसीय रत्नावली युवा सांग महोत्सव का समापन हुआ। इन चारों दिन सभी कॉलेजेस की टीमों ने अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया। भाई साहब, आप राज दरबारों में रहते हैं? हाँ। आपको पता नहीं आपके पीछे से महलों में क्या चल रहा है भाई साहब? क्या चल रहा है भाई? भाई साहब, मैं आपको खोल के नहीं बता सकता। अच्छा, मैं आपको बातों बातों में सारे सारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। भाई ध्यान से सुनिए। बड़ा भाई प्रवासी मजदूरों को एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी ले जाने को लेकर जमकर लाठियां चली। वहीं दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर हवाई फायरिंग होने के कारण लोगों में दहशत फैल गई। पानीपत के गांव पसीना कला में दो निजी कॉलोनी मालिकों में मजदूर को अपनी कॉलोनी में ले जाने को लेकर जमकर हाथापाई व लाठियां चली। देर रात हंगामे के बाद आज सुबह दोनों पक्षों में जमकर लाठियां व हवाई फायर हुए, जिससे गाँव वासियों में दहशत का माहौल बन गया। लोगों ने भी मामले का विरोध किया तो वहीं एक पक्ष ने आरोप लगाया है कि इस झगड़े में स्थानीय विधायक का हाथ है, उसी के आश्रय पर झगड़ा होता है। एक पक्ष के महिला सहित चार लोग व दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हो गए। सभी को पानीपत के सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने घायल को सामान्य अस्पताल से PGI खानपुर व रोहतक PGI रेफर कर दिया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। मामले की सूचना पाकर पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जब इस पूरे मामले की जानकारी के लिए स्थानीय विधायक रविंद्र माचोली से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। मैं ग्राम पिछना कला रोड पे कॉलोनी बना रखी है अपनी, और हमारे एक विपक्ष है जो हमारे साथ मारपीट करता है। वो कहता है कि अपनी कॉलोनी खाली करवाओ यहाँ से और हमारा काम चलेगा। और ये सब MLA
रविंदर मथुरोल की मिली भी गत्ते हो रहा है और आज उन्होंने हमारे साथ आके मारपीट की है, बहुत ज़्यादा मारपीट की है। मेरी मम्मी को मारा है, मेरी चाची जी को मारा है, मेरे दो भैया को मारा है, उनको खून भी निकला है, यहाँ बहुत ज़्यादा गहरी चोट है। सुबह मैं, मेरा भाई और मेरी माता जी दुकान पर बैठे थे, चाय पी कर बैठे ही थे। मेरी माता जी चाय लेकर आई थी तो चार आदमी गाड़ी से आए स्विफ्ट डिजायर से, एक रिवॉल्वर, एक गंडास ले रहा था, एक लोहे का बारी ले रहा था और जी एक बिंडा ले रहा था। उन्होंने उन्हें मारे से कुछ बात नहीं करी, अंदर से मारा, मारपीट चालू कर दी। उसने दो तीन फायर करे जी मेरे ऊपर, तो बच गए जी, मेरे कान पर छुट्टी गोली निकली जी। दो पार्टीज आई थी, एक पार्टी जट्टीपुर की रहने वाली थी, पसीना कला की, इनकी लड़ाई हुई आज पसीना कला में सुबह। तो दो पेशेंट्स एक पार्टी के जो थे उनको खानपुर रेफर किया है हमने, चार पेशेंट्स दूसरे पार्टी के थे उनमें से एक को रोहतक रेफर किया, बाकी स्टेबल थे, ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देके उनकी छुट्टी कर दी है। पानीपत हरिद्वार रोड पर अधिकारियों की नाक के तले ओवरलोडिंग का खेल खेला जा रहा है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने आरटीओ से ओवरलोडिंग चेकिंग की शक्तियां छीनकर जिले के अतिरिक्त उपायुक्त को दे दी थी और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में दस्ते बनाए गए थे ताकि ओवरलोडिंग की चेकिंग के वक्त होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। पानीपत सोनोली यमुना बॉर्डर नाके पर ओवरलोडिंग चेकिंग करने के लिए एडीसी कार्यालय से लगाई गई अलग अलग विभागों के 11 कर्मचारियों में से सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की शिफ्ट में मात्र 4 कर्मचारी पहुंचे और 3 पुलिस कर्मियों सहित 7 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। बहरहाल बगैर पुलिस के ओवरलोड वाहनों को रोकने चेकिंग टीम के लिए जान हथेली पर रखकर ड्यूटी देनी पड़ रही है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और ये एडीसी साहब ने मीटिंग ली थी, उसके अंदर जो भी आरटीओ थे उनको हटाकर तो सभी डिपार्टमेंट से एक कर्मचारी को यहाँ पर लगा दिया गया है। भी ओवरलोडिंग के लिए आप चेक करोगे, उसके लिए एक इंचार्ज एसडीओ रैंक का है, दूसरा एक सहायक, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो एक क्लर्क, दो क्लास फोर पुलिस वाले, ये व्यवस्था की गई, ड्राइवर भी, ताकि कोई इमरजेंसी में कोई दिक्कत परेशानी तो गाड़ी को ले जा सके आ सके। तो ड्यूटी सरकार द्वारा लगाई गई है, हम उसको कर रहे हैं। चेकिंग जितनी हमसे हो रही है कर रहे हैं, हम तो 14 वाहनों की चेकिंग करी, हमने लिस्ट सबमिट कर दी आरटीओ साहब को, लेकिन बिना पुलिस के नहीं हेल्प हो सकती क्योंकि रोड पे उनकी यूनिफॉर्म में और हमें सिंपल बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है ना। सिंपल की ड्रेस में नहीं रुकती है, तो पुलिस प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि यूनिफॉर्म में पुलिस वाले को रोके, वो कागज लेके आए, हम यहाँ पे कागज चेक करके उनका चालान कर सकें। और हर एक डिपार्टमेंट से डेट बाय ड्यूटी लगा रखी है यहाँ, लेकिन आज पूरे हैं, आज 4 यहाँ पे मौजूद हैं, 11 में से 4 मौजूद हैं यहाँ पे। तो इस तरह से काम तो प्रभावित होगा जब पूरे नहीं होंगे लोग, तो सर क्या करें बताओ। हमने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, बाकी ये कल ड्यूटी लगी थी कई जगह पे, रात को मेल करी है, कईयों को रिसीव नहीं हुई है, मेन कारण ये हो सकता है रिसीव नहीं हुई तो इसलिए नहीं आ सके। सहायक पद पर यहाँ पे है इंचार्ज, सर आज नहीं आ पाए, इसी जगह मैं संभालता हूँ। आज के इंचार्ज कौन थे? आज के इंचार्ज प्रदीप जी भोरिया जी थे, SDO मतरोडा से। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। समस्याओं से घिरा पानीपत, हर रोज एक नई समस्या, समस्याओं से पैदा होती एक और नई समस्या। आप सोचते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पाते, कहे भी तो किससे, कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपकी सुनी भी जाएगी और आप कह भी पाएंगे। अब हर मुद्दे पर होगी बहस, हम चलाएंगे मिशन के तहत एक मुहिम, अब हर मुद्दे का होगा स्टीक विश्लेषण। वॉइस ऑफ पानीपत देगा आपको मंच, अब वॉइस ऑफ पानीपत बनेगा आपकी आवाज़। वॉइस ऑफ पानीपत पहुंचेगा हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक पर, आपका मुद्दा।